नहीं, वो तो सेल पे निर्भर है ना, सेल पे बात। व्यापारी क्या 60 साल का भी काम कर रहा है, 80 साल का भी कर रहा है और 25 साल का भी। नहीं, ये जो तीनों ये जो स्कीम है तीनों, ये सोमवार से लागू है। सोमवार तक पोर्टल आने की उम्मीद है। हाँ, जिस दिन भी पोर्टल आ गया मैं अखबारों में देखूंगा, मीडिया में देखूंगा, सब कुछ प्रमोट। कितने हमारे कार्यकर्ता है, हमारे प्रदेश के मेंबर है उद्धू जी और सरसा के प्रभारी है, ये इनसे भी हम पूछेंगे ये सारी बातें, ये बता आपने देखा होगा व्यापारी की समस्या को सुनने वाला कोई भी नहीं, लेकिन अब ये बोर्ड सुनेगा आपको। कोई भी समस्या हो, किसी भी टाइप की कोई समस्या हो, दुकान में आग लग गई, व्यापारी की हत्या हो गई है, या व्यापारी को कोई परेशान कर रहा है, आप अपनी समस्या इनके पास ला। ये पंचकुला में ऑफिस बना हुआ है सेक्टर 14 में, ये वहाँ पर वो समस्या लाएंगे, वहाँ पर हम स्टेट के 9 मेंबर बैठे हैं जो जिम्मेवारी दी गई है। आपकी समस्या का बहुत जल्दी हल होगा। एक तो ये दिक्कत हो गई, आपकी सॉल्व हो जाएगी। व्यापारी को हमेशा समस्या रहती थी कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, अब ये बोर्ड आपकी सुनेगा। और जो बाकी बीमे वाली योजना इन्होंने बताई आपको, ये बीमा बहुत बढ़िया चीज़ है, बस आप इनके साथ जुड़े रहो, जैसे ही आपको कहें वैसे वैसे आप अपने फॉर्म भरते हो। मात्र 50 रुपये में आपको अगर जो 5 लाख मिलता है तो 50 रुपये देके आप भूल जाएंगे, लेकिन कभी मान लो आग लग जाती है तो आपको 50 रुपये याद आएंगे कि मैंने कहीं दिए थे, वो आपको 5 लाख रुपये को उसमें टाइम मिले। ये बहुत फास्ट ट्रैक से होगा, ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत फास्ट ट्रैक से होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हमारी सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है, उसमें ये दो चीज़ें पास हो गई है। आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, डिप्टी सी एम जी के पास भी और सी एम साहब के पास भी, ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है बोर्ड। व्यापारी भवन भी बनेगा जल्दी, सब काम होंगे, बस आप इनके आदेशों का पालन करते हो। ये जैसे जैसे आपको कहे, अब जैसे आप 10 मेंबर थे तो 3 आए, अगर हम व्यापारी सब साथ में होंगे ना तो जैसे किसानों को कितना कुछ मिलता है, हम व्यापारियों को भी मिलेगा। मैं भी व्यापारी हूँ, 15 साल से मैं लहंगा चुन्नी का काम कर रहा हूँ, हिसार की राजगुरु मार्केट में, और डिप्टी सी एम जी जब भी हिसार आते हैं राजगुरु मार्केट में तो वो मेरे पास आते हैं, उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। और मैं कहता हूँ कि अगर व्यापारी एकजुट हो गया ना तो इतना कुछ मिलेगा हमको जिसका कोई हिसाब नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हिसार की सबसे मशहूर दुकान है राम चाट बड्डा, सुनी होगी आपने, उसमें आग लगी है, उसका करोड़ों बड़ा नुकसान हो गया। मैंने खुद डिप्टी सी एम जी की फ़ोन पर उनसे बात करवाई, उनके ओनर की बिट्टू जी से, बिट्टू जी के पास उनका फ़ोन करवाया, उन्होंने सांत्वना दी, अब वो फाइल तैयार कर रहा है, वो फाइल मुझे देगा, मैं वो पंचकुला लेके जाऊँगा और उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करवाने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूँ कि बस व्यापारी है उनको जुड़ना चाहिए। आप देखना, मतलब ये व्यापार का जो बोर्ड बनाया है बहुत बढ़िया काम करेगा, बस आप इनके साथ जुड़े। ये नहीं कि मीटिंग में आ जाए बोले रहे वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जुड़ेंगे तो जैसे किसानों को इतना कुछ मिलता है, मजदूरों को मिलता है, ऐसे व्यापारियों को भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी जो है थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे। हम व्यापारी के पास एक ही समस्या है कि समय की कमी होती है, लेकिन आज देखो जी दुकान पर 2 भाई भी हैं, आगे बच्चे भी हैं, आप 10-15 मिनट भी निकाल लेंगे ना। हमने उनको ये दिखा दिया ना सी एम साहब को, डिप्टी सी एम साहब को, कि व्यापारी एकजुट है, तो वो इतना कुछ देने के लिए बैठे हैं, इतना फंड है वहाँ पर, इतना फंड है, इसका कुछ रहा।